आज शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी ईदगाह में हजारों लोग इकट्ठा हुए और खुदा के सजदे में अपना सर झुकाया। कल रात में ईद होने का ऐलान कर दिया गया था। शाहजहांपुर की बड़ी ईदगाह में नमाज के वक्त सुबह 8:30 बजे मुकर्रर किया गया था और सुबह से ही बच्चे, बूढ़े और जवान खुशियों के साथ ईद की नमाज को अदा करने के लिए बड़ी ईदगाह में इकट्ठे हुए और शहर इमाम ने लोगों को नमाज पढ़वाई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया और ईद की दिली मुबारकबाद दी। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने ईद की नमाज के बाद सभी को मुबारकबाद दी। बड़े पुरसकून तरीके से ईद की नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ के शहरी, और इस मुबारक मौके पर मैं शाहजहांपुर के सभी निवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्या कुछ कहना चाहेंगे निवासियों के लिए? यही अपील करूँगा कि लोग अमनो चैन से त्यौहार मनाएं और भाईचारे का जो सौहार्द बना हुआ है शाहजहांपुर, जिसके लिए जाना जाता है, वो हमारा मकतब कायम रहे, वो हमारा दर्जा कायम रहे, और शाहजहांपुर को लोग हरदम अदब के लिए जाने, लोग मेल मिलाप के लिए जाने। तो आप देख रहे होंगे कि इस मौके पर लोग जब नमाज अदा कर रहे हैं तो दुआएं भी कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए दुआएं कर रहे हैं, समाज की एका के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये दुआएं अमल में लाएँ, ऐसी मेरी कामना। आज बकरीद एवं श्रावण सोमवार के शुभ अवसर पर जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अपील करता हूं कि भाईचारे के साथ इस पावन पर्व को मनाएं और इस शुभ अवसर पर पूरा जनपद में पुलिस का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस ड्यूटी लगाए गए हैं, दिन भर सतर्कता बरती जाएगी और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा।